हाँ जी दोस्तों, किद्दां मैं साहिरस और आज का वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क पैचेस हैं, एक्ने स्कार्स हैं या सन से डैमेज स्किन है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं पिगमेंटेड स्किन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो मैं उसी पर वीडियो बना रहा हूं। मैंने हमेशा से कहा है पिगमेंटेशन को आप अंदरूनी रूप से ठीक कर सकते हैं अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। मेरी इस बात को मानने के बाद हजारों लोगों के पिगमेंटेशन ठीक हो गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा टाइम लगा, कुछ लोगों को बहुत जल्दी पिगमेंटेशन का रिजल्ट मिल गया। तो मेरी जो जर्नी थी, 6 साल का पिगमेंटेशन मैंने 6 महीनों में ठीक कर लिया था केवल एक ओवरऑल हेल्दी डाइट फॉलो करके और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के, यानी कि जिम ज्वाइन करके। तो मेरी इन बातों पर बहुत लोगों ने अमल किया, मैंने हेल्दी साइरस डाइट बनाई, इस डाइट को लोगों ने फॉलो किया, मेरी बातों पर अमल किया और हजारों लोगों की पिगमेंटेशन ठीक हो गई। तो मैंने हमेशा से बताया है आप अंदरूनी रूप से पिगमेंटेशन कैसे ठीक कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं बाहरी रूप से आप पिगमेंटेशन कैसे ठीक करने वाले हैं, जैसे कि मैप्लिक्स के कुछ प्रोडक्ट है उन पे रिव्यू भी करने वाला हूं और साथ में बात करते हैं इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के बाद आप चेहरे पे क्या लगाते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप चेहरे पे जो भी चीज लगाएंगे वो आपकी स्किन अब्सॉर्ब कर लेगी, उसी तरह से रिएक्ट करेगी। अगर आप कुछ हार्मफुल केमिकल जैसे पैराबेंस, सिलिकॉन्स और सल्फेट वगैरह यूज करेंगे तो स्किन इसे अब्सॉर्ब कर लेगी और इसके हार्मफुल रिजल्ट भी हैं, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी स्किन डैमेज है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करेंगे जिसमें किसी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल ना हो, जो प्लांट बेस्ड होने चाहिए, 100% नेचुरल होने चाहिए। यहां पे सबसे पहले बात करेंगे फेस वॉश के बारे में। दोस्तों मैं प्लेक्स का जो पाइनएप्पल डी पिगमेंटेशन जूसी क्लेंजर फेस वॉश की बात करूंगा। ये फेस वॉश सभी स्किन के लिए, चाहे वो ऑयली हो, नॉर्मल स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, तो ये फेस वॉश चाहे मेन हो, वुमेन हो, कोई भी इसको यूज कर सकता है। इस फेस वॉश में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जैसे पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन्स वगैरह होते हैं। इसमें पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं और नियासिनमाइड दिया गया है। नियासिनमाइड क्या होता है दोस्तों, जितनी भी स्किन रिलेटेड मेडिकेशंस आती है उसमें ये इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। ये आपके पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करता है, चाहे वो डार्क स्पॉट्स हो, डिसकलरेशन हो, उसको ठीक करने में मदद करता है। ये फ्रूट प्लस एक्टिव फॉर्मूला को कंबाइन किया गया है जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, पिगमेंटेशन मलाजमा को कम करने में मदद करता है। इसमें कुछ फ्रूट एसिड दिए गए हैं जैसे AHA और BHA। ये फ्रूट एसिड्स आपको डीपली क्लेंज करते हैं और स्किन के लिए जेंटल भी रहते हैं। डीपली क्लेंज होने से आपके पोर्स वगैरह, स्किन एकदम से साफ हो जाती है। तो जितने भी लोगों की स्किन डैमेज है तो आई रेकमेंड कि आप प्लेक्स का जो पाइनएप्पल डी पिगमेंटेशन फेस वॉश है ये यूज कर सकते हैं। आप सुबह यूज करें और शाम को यूज कर सकते हैं, 2 बार यूज कर सकते हैं। अब फेस को साफ करने के बाद सीरम की बात करते हैं जो कि प्लेक्स का ही पाइनएप्पल डी पिगमेंटेशन सीरम है। दोस्तों सीरम जो होते हैं वो हाइड्रेटिंग ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं जो आपकी स्किन को नरिश करते हैं और मार्केट में बहुत सारे सीरम आते हैं, लेकिन प्लेक्स के सीरम की खासियत क्या है, इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है, ये 100% नेचुरल है क्योंकि वीगन है। फिर इसमें नियासिनमाइड है जो कि ओवरऑल पिगमेंटेड स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, डिसकलरेशन हो, सन से डैमेज स्किन हो या आपके डार्क स्पॉट्स हो उनके लिए अच्छा होता है। फिर दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड दिया गया जिसे अल्फा एबुटीन कहा जाता है। ये जो अल्फा एबुटीन होता है ये नेचर में कई प्लांट्स में अवेलेबल है। ये जो कंपाउंड है आपको बेरीज, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरी, पोमेग्रेनेट में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कई तरह की स्किन रिलेटेड मेडिसिंस भी आती हैं, उनमें भी डाला जाता है क्योंकि इसके बहुत सारा बेनिफिट होते हैं। ये आपका हाइपरपिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और डिसकलरेशन को कम करता है। तो फेस वॉश से आपको स्किन अपनी क्लेंज करनी है और उसके बाद आपको सीरम यूज करना है। सीरम आपकी स्किन को नरिश करेगा। दोस्तों क्या होता है कि उसके बाद हमें चेहरे पे एक मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि स्किन बहुत लोगों की ड्राई होती है, डैमेज होती है, इची स्किन होती है। तो यहां पे हम रिव्यू करते हैं प्लेक्स का पाइनएप्पल डी पिगमेंटेशन स्मूदी मॉइस्चराइजर। ये एक बहुत ही इंटेंस मॉइस्चराइजर है, आपको बहुत ही बटरी इफेक्ट आपको मिलेगा स्किन पे जब आप इसको लगाओगे। और खासियत क्या है, जब आप इसको लगाओगे तो आपको स्किन ऑयली नहीं रहेगी। इसको आप थोड़ा सा लगाएं क्योंकि काफी बटरी इफेक्ट है इसका, तो आपके स्किन को मॉइस्चर कर देगा। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अगर आपने मेकअप करना तो मेकअप कर सकते हैं। इसमें अगेन अल्फा एबुटीन दिया गया है जो ओवरऑल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, खास करके जिन लोगों को पिगमेंटेशन है। फिर इसमें सिम वाइट है जो कि रेडिएंट स्किन के लिए है, स्किन को स्मूथ करेगा, एक बटरी इफेक्ट देगा। इसका रीजन क्या है दोस्तों, ये जो इंग्रेडिएंट है ये आपकी जो स्किन पे मेलानिन बनता है जिसकी वजह से डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन होता है, मेलानिन बनने की प्रक्रिया को धीमी कर देगा।
इसका जो फ्रूट प्लस एक्टिव फॉर्मूला है वो सन से डैमेज स्किन जो है उसको भी ठीक करने में मदद करेगा। सो ये जो प्लेक्स की पाइनएप्पल डी पिगमेंटेशन जो पूरी किट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर यूज करिएगा, मुझे बताइएगा आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा। दोस्तों प्लेक्स ने क्या किया है, इन्होंने नेचर और साइंस को कंबाइन कर दिया है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है ताकि अंदरूनी रूप से आपका पिगमेंटेशन और मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्पॉट्स, सन डैमेज स्किन ठीक हो जाए। उसके बाद आपको ये जो प्लेक्स की जो पाइनएप्पल डी पिगमेंटेशन पूरी किट है वो इस्तेमाल करनी है। आपको फेस को अच्छे से साफ करना है, उस पे सिरम लगाना है, सिरम के बाद आप स्किन को मॉइस्चर रखें। मॉइस्चर रखना बहुत जरूरी होता है, अगर आप मॉइस्चर नहीं रखते स्किन आपकी ड्राई रहती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके क्या बोलते हैं रिंकल्स आने के, क्योंकि ज्यादा ड्राई स्किन रिंकल्स को जल्दी इन्वाइट करती है। तो मेक श्योर आप अपनी हमेशा स्किन को मॉइस्चर रखें, मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, आपको इंटेंस मॉइस्चराइजर दे देगा, आपको बटरी स्मूथ आपको इफेक्ट देगा। ये ध्यान रखना है कि इस किट को लेने के बाद एकदम से आपको पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो जाएगा, आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करें और इनका दावा है कि 90 डेज के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि ऑलमोस्ट इन्होंने पूरी पिगमेंटेशन किट तैयार करी है। आपको फेस वॉश करना है, सरम लगाना है, स्किन को मॉइस्चर रखना है, ठीक है। बाकी कोई अगर क्वेरी क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने प्लेक्स का डी पिगमेंटेशन किट है उसको रिव्यू किया है। तो हमेशा अपनी डाइट पे फोकस करें नंबर वन, फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करें और फिर आप बाहरी रूप से कुछ भी लगाएं तो ये बेटर है कि आप ऐसी चीजें लगाएं जिसमें कोई केमिकल्स वगैरह ना हो। तो ये प्लेक्स की जो पूरी किट है इसमें कोई किसी तरह का केमिकल्स वगैरह नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और कोई भी व्यक्ति अगर मुझे सपोर्ट करना चाहता है, मेरा ज्वाइन का बटन है, मेरा मेंबर बन सकता है। और मेरा व्लॉगिंग चैनल है साइरस वीरा, आप प्लीज सब्सक्राइब करें, मजा आता है जब आप लोग व्लॉग्स देखते हैं। किसी शख्स को अगर मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, हेल्दी साइरस मेरी आईडी है। आप मुझसे फ्राइडे को शाम को 6:30 बजे मैं लाइव आता हूं, आप लाइव आके मुझसे बात कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर का बटन है तोड़ दो मरोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है प्लेक्स का पाइन एप्पल डी पिगमेंटेशन किट का, खरीदिएगा, मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा रिजल्ट मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ग्रोइंग, स्प्रेड द लव।